बदलापुर मामले में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की। बदलापुर मामले में महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को किया बंद का ऐलान। सभी प्रमुख दल बंद में लेंगे हिस्सा। बदलापुर में हुए हंगामे और प्रदर्शन पर सीएम एकनाथ शिंदे ने लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा आंदोलन ऑन द स्पॉट होता तो बैनर पोस्टर लेकर लोग कैसे पहुंचे। बदलापुर मामले में एसआईटी को सौंपी गई जांच। आईपीएस आरती सिंह को एसआईटी का हेड बनाया गया। उज्ज्वल निकम सरकारी वकील होंगे। बदलापुर में प्रदर्शन कर रहे 50 से ज्यादा लोग हिरासत में। हिंसक झड़प के बाद इंटरनेट सेवा बंद की गई। बदलापुर मामले में 3 पुलिस वाले सस्पेंड। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल सस्पेंड किए गए। थाने में बदलापुर में छेड़छाड़ के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। रेलवे स्टेशन और स्कूल पर किया प्रदर्शन और तोड़फोड़। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी बदलापुर केस की सुनवाई। घटना पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। बदलापुर में नर्सरी की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने स्कूल के आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। प्रिंसिपल क्लास टीचर और 2 सहायक निलंबित। महाराष्ट्र के अकोला में सरकारी स्कूल के टीचर पर 6 बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप। बच्चियों को अश्लील फिल्म दिखाने का आरोप। पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोलकाता में मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन जारी। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ प्रदर्शनकारियों का दल स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचा। मेडिकल छात्रों का एक दल अपनी मांग को लेकर अंदर गया। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। डॉक्टरों के लिए अंतरिम सुरक्षा की मांग की। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के परिवार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार। कोर्ट ने परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई। सीआईएसएफ के डीआईजी ने अस्पताल का मुआयना किया। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से फिर सीबीआई की पूछताछ। कल भी 11 घंटे पूछताछ हुई थी। अब तक 64 घंटे हो चुके हैं सवाल जवाब। कोलकाता रेप और मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय का आज हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। मामले में कई अहम राज खुल सकते हैं। कोलकाता रेप हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार। एफआईआर दर्ज करने में देरी पर उठाए सवाल। पूछा क्या कर रहे थे प्रिंसिपल। पीड़िता की पहचान उजागर होने पर जताई नाराजगी। आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को सुप्रीम कोर्ट ने बताया बंगाल सरकार की नाकामी। पूछा अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहे उपद्रवियों को क्यों नहीं संभाल पाई राज्य सरकार। अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। 3 हफ्ते में रिपोर्ट देगी टास्क फोर्स। टास्क में 9 सदस्य और 5 एक्स ऑफिशियो सदस्य शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील। कहा उनकी सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हिंसा पर बंगाल सरकार का बड़ा एक्शन। लापरवाही के आरोप में कोलकाता पुलिस के 3 अधिकारियों को निलंबित किया। मामले की जांच के लिए विभागीय जांच शुरू। आज दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ आईएमए की बैठक। हड़ताल जारी रखने या खत्म करने पर हो सकता है फैसला। एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद। बीएसपी भीम आर्मी समेत कई पार्टियों का आह्वान। कांग्रेस आरजेडी जेएमएम का समर्थन। बिहार के बाढ़ में भारत बंद का दिखा असर। नेशनल हाईवे 31 पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर आगजनी का आरोप। बिहार के औरंगाबाद में भारत बंद के दौरान दुकान बंद कराने को लेकर भीम आर्मी के प्रदर्शनकारियों ने दुकानदार के साथ मारपीट की। सदर अस्पताल में पीड़ित का इलाज जारी। बिहार के दानापुर में फुलवारी शरीफ के विधायक के नेतृत्व में चक्का जाम। भारी संख्या में माले कार्यकर्ता झंडा लेकर सड़क पर उतरे। बिहार के जहानाबाद में भारत बंद के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर ट्रैफिक जाम को दुरुस्त किया। झारखंड के सिमडेगा में भारत बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। NH-143 को जाम किया गया। झारखंड के गढ़वा में भारत बंद का दिखा असर। नेशनल हाईवे 75 को प्रदर्शनकारियों ने किया जाम। आवागमन ठप हुआ। जोधपुर की सड़कों पर भारत बंद को लेकर उतरे अनुसूचित जाति में जनजाति के संगठनों के कार्यकर्ता। हाथों में झंडे लेकर किया प्रदर्शन। अजमेर के कई बाजारों में दुकान बंद दिखी। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। राजस्थान के झुंझुनू में बाजार पूरी तरह से बंद। स्कूलों में छुट्टी घोषित और परीक्षाएं स्थगित की गई। पटना में भारत बंद के ऐलान के बीच दलित संगठन के सदस्यों ने किया चक्का जाम। सड़कों पर की नारेबाजी। बिहार के छपरा में दिखा भारत बंद का असर। कई सड़कें बंद, कई जगह चक्का जाम। बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशी किरण चौधरी ने किया नामांकन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। नामांकन के बाद दिखाया विजय चिन्ह। केरल से बीजेपी नेता जॉर्ज कुरियन ने मध्य प्रदेश की बीजेपी के लोकसभा राज्यसभा उम्मीदवार का पर्चा भरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से खाली हुई है सीट। विधानसभा में संख्या के आधार पर जीतना तय। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 अगस्त को हो सकती है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के उम्मीदवारों की आ सकती है पहली लिस्ट। 3 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। आज और कल पोलैंड में रहेंगे। 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे पीएम।
छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। 24 अगस्त को रायपुर में पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक करेंगे। सुरक्षा एवं विकास संबंधी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। 28 अगस्त को मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। मोदी 3.0 की पहली मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ाई गई। दिल्ली की राउज वेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में हिरासत बढ़ाई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए अनूप संडा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू का आदेश बरकरार। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया। 23 साल पहले धरना प्रदर्शन करने पर दर्ज हुआ था केस। हरियाणा चुनाव से पहले न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम की कुर्सी पर दावा करते हुए कहा, न भी टायर्ड हूं न ही रिटायर्ड। फिर दुनिया के टॉप बैंकर बने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। लगातार दूसरे साल ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के टॉप बैंकर बने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को दी बधाई। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, उनके नेतृत्व और आर्थिक विकास में उनके काम की मान्यता है। ओलंपिक्स पदक विजेता मनु भाकर का डांस करते हुए वीडियो आया सामने। काला चश्मा गाने पर डांस करती दिखाई दी मनु भाकर, वीडियो वायरल। हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल का विवादित बयान वायरल। चुनावी जनसभा में बोले, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो दिल्ली वाले 6 महीने से ज्यादा टिकने नहीं देंगे। शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 18वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी नेता जफर इस्लाम समेत कई लोगों ने उनकी कब्र पर फूल चढ़ाकर नमन किया। कब्र के पास शहनाई भी बजाई गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का ऐलान, जहां संगठन मजबूत उस सीट पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान किया। राम माधव और जी किशन रेड्डी चुनाव प्रभारी बनाए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम 5 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। कल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दिल्ली वापस आएंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस से चल रही गठबंधन की बात, 90 में से 40 सीटें मांगने की तैयारी में कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला 25 सीटें देने को तैयार, कांग्रेस राजी नहीं। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस पीडीपी को गठबंधन में शामिल करना चाहती है। उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के विचार के खिलाफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी को लेकर विवादास्पद बयान, बीजेपी की तुलना सांप से की। कहा, बीजेपी विष जैसी, उसे चाटने की नहीं निकालकर फेंकने की जरूरत। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे ने राजीव गांधी की खूब आलोचना की, लेकिन उन्होंने किसी शिवसैनिक के घर ईडी आईटी या सीबीआई नहीं भेजी थी। हरियाणा में 1 सितंबर से पहले जेजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा, सबसे ज्यादा युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता देंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़े हमले की साजिश नाकाम, सुरक्षा बल ने एक भूमिगत आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का दावा, कहा अपने विचार पर कायम हूं, कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो नया अध्याय शुरू होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में पहली बार हेलीकॉप्टर से भेजा गया मरीज, राजमिस्त्री को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के तहत किया गया एयरलिफ्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क पर दिखा परिवार का विवाद, बेटे ने पिता की कार में मारी चक्कर, घटना में 6 से 7 लोग घायल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर के सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय का मरीज के तीमारदारों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। यूपी के जौनपुर में पुलिस एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश पकड़े गए, 20 अलग-अलग मामलों में चल रहे थे वांटेड। कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में पीड़िता की बुआ गिरफ्तार, आरोपी नवाब सिंह से पैसे लेकर नाबालिग का मेडिकल कराने से इनकार करने का आरोप, पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के देवरिया के बरहज इलाके में दबंगों ने मां बेटियों की लाठी डंडे से की जमकर पिटाई, दबंगों के खिलाफ एक्शन में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, ज्वेलर्स लूटकांड के 3 आरोपी जवाबी कार्रवाई में हुए घायल, बदमाशों के कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के जेवरात, असलहा और बाइक बरामद हुई। यूपी के गाजियाबाद में युवती ने फांसी लगाकर सुसाइड किया, वीडियो में निदेश निषाद नाम के युवक पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया, अकराहट के जंगलों में प्लांट किए गए 12 प्रेशर IED बरामद किए, मौके पर ब्लास्ट कर उसे डिफ्यूज किया। गुजरात के गांधीनगर में कई गाड़ियों के साथ लोगों ने किया स्टंट, सोशल मीडिया पर रील्स वायरल होने के बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दबंगों ने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की, पुलिस 4 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी। गुरुग्राम में अपहरण के बाद एक शख्स की जमकर पिटाई, मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड, पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तलाक से नाराज शख्स ने रिश्तेदार पर चाकू से किया हमला, गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज जारी। एमपी के खंडवा रेलवे स्टेशन के पास 2 गुट में जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज किया। उत्तराखंड के रुड़की में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में आग का कहर, घटना में आरा मिल जलकर राख। गुजरात के बनासकांठा में मोटरसाइकिल में 3 लोगों ने लगाई आग, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। यूपी के सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, कई फीट उछलकर दूर गिरा साइकिल सवार।
हिमाचल प्रदेश के चंबा में मिठाई की दुकान में घुसा भालू, अचानक से दुकान के मालिक के आ जाने से भागा। आगरा में घर के अंदर घुसकर चोरों ने मोबाइल फोन चुराया, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। यूपी के हापुड़ में दो जगहों पर निकले विशालकाय अजगर, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू किया। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, समाजवादी पार्टी के नेता अमरनाथ मौर्य राइफल लेकर नगर निगम कर्मचारियों को दौड़ाता दिखाई दिया। यूपी के फतेहपुर में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर सैफुल्ला के पैर में लगी गोली। यूपी के बिजनौर में दिन दहाड़े जनसेवा केंद्र पर लूटपाट, हथियार के बल पर तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या, पुराने विवाद में हत्या की आशंका, पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मोटरसाइकिल से आए अपराधियों ने फायरिंग की, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के रतलाम में एक ट्रक ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी, हादसे में दो लोग घायल, इलाज जारी। गुजरात के राजकोट में दो कारों में आमने सामने की टक्कर, हादसे में चार लोगों की मौत। कोलकाता में बंगाली एक्टर सम्राट मुखर्जी ने के कार से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई, हादसे के बाद पुलिस ने सम्राट मुखर्जी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में लिफ्ट में फंसे आठ लोगों को बाहर निकाला गया, आसपास के लोगों ने पांचवी मंजिल पर अटके लोगों को निकाला। भारतीय सेना ने नकली अरमान ऐप को लेकर जारी की चेतावनी, लोगों से फर्जी ऐप को डाउनलोड और रजिस्टर न करने की अपील की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उफनते बरसाती नाले में वही कार, कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार के बगहा में पानी के तेज बहाव में फंसे कई लोग, सुरक्षा बल ने सभी 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में वही कार, स्थानीय लोगों ने कार सवार चार लोगों को बचाया। उत्तराखंड के नैनीताल में बरसाती नाले में बहा एक आदमी, स्थानीय पुलिस लापता शख्स की तलाश में जुटी। सिक्किम के बालूतार में भूस्खलन के बाद बीआरओ ने संभाला मोर्चा, सड़क कनेक्टिविटी की बहाली के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई में जुटी टीम। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, कई सड़कों पर आवाजाही प्रभावित, प्रशासन की हालात पर नजर। उत्तराखंड की जोशीमठ में मलबा आने से कई सड़कों पर यातायात प्रभावित, कई गांव का संपर्क एक दूसरे से टूटा। ईरान में शिया तीर्थयात्रियों की बस का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में 28 की मौत, पाकिस्तान से इराक जा रहे थे तीर्थयात्री। गाजा में इसराइल के हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 40,000 के पार, बीते 24 घंटे में इसराइल के हमले में 34 की मौत। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार कमला हैरिस के सपोर्ट में उतरे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दूसरे दिन कमला हैरिस का समर्थन किया, अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बताया। और बेलारूस की सीमा के करीब लिथुआनिया में 4,000 सैनिकों को तैनात करेगा जर्मनी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी सैनिकों की दूसरी देश में पहली बार तैनाती करेगा।